Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. Find the mean of the following distribution. तो इस बार क्लास इंटरवल आप देख सकते हैं कितना है 50 है ना 50 माइनस 0 50 100 माइनस 50 15 150 माइनस 100 50 क्लास मार्क लिख लेते हैं इन दोनों का एवरेज 25 75 और 125 125 175 225 275 अब क्या है ui is equal to yi minus a yi ये सारे हैं है ना 25 minus assumed mean तो हमने लिया ही नहीं तो चलो assumed mean को ले लेते हैं 175 ठीक है तो 25 minus 175 हो गया चलो करके देख लेते हैं यार 25 minus 175 divided by c क्या है 50 एक बार फिर से देख ले 25 जो है पहला yi ले लिया 175 हमारा a था उसको ले लिया फिर c 50 ले लिया तो ये कितना हो गया minus 150 divided by 50 तो ये हो गया minus 3 अब minus 3 ये हो चुका है उसी तरह ये minus 2 minus 1 0 1 2 सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 12 माइनस 16 माइनस 16 0 6 6 है ना सबको ऐड कर लीजिए यहां पे 8 4 12 6 18 3 21 6 27 3 30 कैरी ओवर 3 1 4 1 5 50 चलो तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी का सम आ गया 50 और इसी तरह FIUI का सम निकाल लेंगे तो देखेंगे आप 6 6 12 ये दोनों 12 ये minus 12 इन दोनों 6 को खा लेगा और minus 16 minus 32 बस mean का formula ये तो rough work था mean is equal to a plus c multiplied by sigma FIUI divided by sigma FI A हम लोग ले चुके हैं 175, C है 50, sigma FI भी है 50, FIUI है minus 32, 50 50 cancel हो गया 175 minus 32 ये हो गया 143, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है इस बार भी हम लोगों ने step deviation method use किया या ICSE 2003 में आ चुका था यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं थी स्टेप डिविएशन से बट ये स्टेप डिविएशन से काफी आसान पड़ा सो दिस इज डन